सीरियसली बताऊं तो 15 से 16 का आपको माइलेज मिलने वाला है। बाइक जो है ना, ये बाइक नहीं एक्चुअली ये मिरर है। अब 3.5 लाख रुपए में भी आपको LED सेटअप देखने को नहीं मिलता, उसका भी रीजन आपको देखो, जो लुक निकल के आता है ना बाइक का पीछे से, वो एक्चुअली ना ये दो एग्जॉस्ट देते हैं। ओके सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज संडे है एंड आज मैं आपको एक ऐसी तबाही से मिलाने वाला हूँ लिटरली, जो हर किसी बॉय का ड्रीम होता है, इवन दैट हर किसी मैन का ड्रीम होता है। यू नो दैट मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो में। सो जो भी वीडियो में न्यू है, वीडियो में बने रहें एंड चलते हैं अपनी तबाही के पास। सो करते वॉक अराउंड, लेट्स गो। ओके सो फ्रेंड, दिस इज़ द होल न्यू GT 650 एंड एक्चुअली मैं इसी तबाही की बात कर रहा था आप लोगों से। एक्चुअली यू नो कि हर किसी पर्सन का ड्रीम होता है कि वो GT 650 बाइक परचेज करे। इवन दैट मेरा भी ड्रीम है कि मैं GT 650 लूँ। आई नो दैट कि अगर आप भी GT लवर तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस बाइक का क्या प्राइस होने वाला है, इवन दैट इस प्राइस रेंज में ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। सो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा, इस बाइक का जो प्राइस है वो 3,31,000 रुपीज़ एक्स शोरूम इंडिया है। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग मॉडल की, सो 3,05,000 रुपीज़ से ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। एंड बात करते हैं ऑन रोड प्राइस, तो एक्चुअली यू नो दैट कि स्टेट वाइज टैक्स का फ़र्क होता है, तो टैक्स में फिर क्या है आपका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे 13% टैक्स लगता है। सो जो बाइक की जो ऑन रोड कॉस्टिंग निकल के आती है वो 4,41,000 रुपीज़ के समथिंग निकल के आती है। और आपके टैक्स आपके स्टेट में भी अलग अलग टैक्स लगता होगा, हमारे यहाँ पे 13% है। अगर आप हरियाणा से आए तो आपका 8% टैक्स लगेगा। हर स्टेट का अलग अलग टैक्स होता है, तो गाड़ी की कॉस्टिंग टैक्स पे ही डिपेंड करती है। यू नो दैट की एक्चुअल प्राइस तो पूरे इंडिया में सेम होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बाइक फ्रंट से दिखने में काफ़ी बल्की दिखती है और सीरियसली रेट्रो लुक आता है पूरा बाइक का। एंड मैं बात करूँ बाइक के वेट की, सो सीरियसली बाइक का जो वेट है वो आपका वो मिलेगा 200 kg वेट देखने को मिलता है, जो कि बाइक को पूरा जस्टिफाई करता है, बिकॉज ये बाइक ट्विन्स इंजन एंड ट्विन्स सिलेंडर में आपको देखने को मिलती है। सो लेके चलता हूँ आपको बाइक के पास एंड थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं। सो ओके, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप देख पा रहे होंगे ये आपको हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, एक्चुअली रॉयल एनफील्ड ने 4 लाख में भी सॉरी 3.5 लाख रुपए में भी आपको LED सेटअप देखने को नहीं मिलता, उसका भी रीज़न है बिकॉज ये जो बाइक है पूरा रेट्रो लुक है। सो रेट्रो में रॉयल एनफील्ड चाहता है एक्चुअली क्या, पुरानी थीम लेके वर्क कर रही है रॉयल एनफील्ड की। आप देख सकते हो इसमें भी आपको अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू नो दैट कि गड्ढे वगैरह में अलॉय व्हील्स सक्सेस नहीं होते। जो स्पोक्स होते हैं ना, इनको टाइट कर दिया जाता है, बट बेसिकली अलॉय व्हील्स को आप टाइट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पास लेके चलना चाहूँगा मैं, आप जो ये क्रोम देख पा रहे होंगे पूरा क्रोम टच एंड तक दिया हुआ है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, सो ये आपको क्रोम फिनिश टच में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलता है। सो अगर मैं आपको लेके चलना चाहूँ मीटर के पास, तो इसका मीटर भी आपको है ना ओल्ड वर्जन का ही देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा दिखता है, बाइक को मैच करता है, जस्टिफाई करता है। आप देख सकते हैं ये आपका मीटर है, इसमें आपको स्पीड से होगा, उसके बाद ये आपका RPM मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉर्नर में देख सकते हैं ये आपका फ्यूल कैपेसिटी, इवन दैट यहाँ पे ओडोमीटर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका किल स्विच हो जाता है, ये बाइक ऑन ये बाइक ऑफ। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें आपका लो बीम हाई बीम इंडिकेटर वगैरह, ये आपका हॉर्न, तो हॉर्न भी काफ़ी लाउड है, आप सुन के देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऊपर से, आपको दिखने में काफ़ी अच्छी ब्लैक कलर की एक ग्लोसी लाइन देखने को मिलती है। एंड साइड में आपको स्टैंडर्ड वाली एक क्रोम की पट्टी देखने को मिलेगी, जो कि हैंडमेड होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीट की, तो सीट सीरियसली काफ़ी सॉफ्ट है। बट एक्चुअली यू नो काफ़ी लोगों की मिथ्स वगैरह होती है कि इस बाइक को हम है ना लॉन्ग टूर पे नहीं ले जा सकते, पीठ में दर्द होने लगता है। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा यू नो दैट कि यार ये यंगस्टर्स के लिए बाइक है, इवन दैट आप 35 ईयर्स ओल्ड है तो आप इस बाइक को इजीली चला सकते हो। मेरे फ्रेंड के पास है, वो ऋषिकेश तक गए हैं बाइक को लेके, वो बताते हैं कि इतना टायर्डनेस फील नहीं होता है, क्योंकि देखो हैबिट हो जाती है हमें हर चीज़ की। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलना चाहूँ, तो टायर के पास लेके चलना, और जो टायर का जो साइज़ होने वाला है वो 100/19 का टायर साइज़ होने वाला है। एंड आपको 18 inches के स्पोक्स व्हील देखने को मिलता है। अगर वहीं बात अगर मैं करूँ डिस्क ब्रेक की, तो आपको डुअल डिस्क देखने को मिलता है बाइबा के। उसके बाद अगर हम पिछले टायर पर चलें, तो सीरियसली मैं आपको बताना चाहूँगा पिछला टायर आपका 113/70 का होता है। एंड ये भी आपको 18 inches में देखने को मिलता है डुअल डिस्क के साथ। एंड आपको देखो जो लुक निकल के आता है ना बाइक का पीछे से, वो एक्चुअली ना ये दो एग्जॉस्ट देते हैं। जब बाइक चाहती है ना लिटरली यू नो कि
सट के जाती है, अगर मैं थोड़ी देसी भाषा में बताऊँ ना आपको तो बिल्कुल। अगर बाइक पास से भी जा रही तो लोग एक बार ज़रूर देखेंगे कि भाई ये जा क्या रही है, एक्चुअली उन दैट की एक तबाही सी फील होती है इसको चलाते टाइम। एंड आपको इसमें स्पीडो क्लचर मिलता है देखने को, आप देख सकते हैं। ओके सो मैं आपको थोड़ा सा साउंड सुना देता हूँ बाइक का। ओके सो एक्चुअली यू नो कि बैठने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आता है गाड़ी में बैठने के बाद, एंड लोगों का बोलना होता है कि ऐसे होता है बॉडी पोस्चर ऐसा होता है तो पीठ में दर्द होता है, बट बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड आपको साउंड सुना देता हूँ बाइक का, साउंड एक्चुअल में कैसा है। ये आपने इसका साउंड सुना होगा जीटी का। अगर उसके बाद अगर बात करें तो एक्चुअली मैं बोलता हूँ ना कि क्रोम कलर के जो इंजन होते हैं वो हीट नहीं मारते, बट सीरियसली इस बाइक में कुछ ऐसा रूल अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज इस बाइक में आपको ड्यूअल इंजन देखने को मिलता है, तो सीरियसली इस बाइक का जो हीटिंग इशू है ना एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा आता है। एंड उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हो एक सेफ्टी के लिए एक एसेसरीज लगाई हुई है, बट यहाँ पे भी एक एसेसरीज फिट होती है जिससे आप बॉडी पोस्चर है जो आपके जो लेग्स होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे टच होते हैं तो सो आपको हीट ना लगे, बट फिर भी इस बाइक में इतनी हीट होती है कि आप चलाओगे तो आपके पैरों में हीट आपको लगेगी। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे एक रेडिएटर दिया हुआ है, सो एक्चुअली यू नो दैट कि ये बाइक को इतना ठंडा नहीं कर पाता है, एक्चुअली ये सिर्फ एक शो ऑफ के लिए है कि हाँ बाइक ठंडी होती है, बट लिटरली 650cc बाइक है, ये इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है। इवन दैट अगर आप 15-20 किलोमीटर चला लेते हैं बाइक को सो बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू आता है, तो लोगों का होता है भैया इतना हीट क्यों मारी, बट मैं बताना चाहूँगा भैया आपने 650 बाइक की है सो प्लीज़ आपको हीटिंग इशू तो प्रॉब्लम फेस करनी ही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ये शोकर्स के कवर देखने को मिलता है, सो ये अच्छी बात है, इससे आपका डस्ट नहीं जाता है, सो आपकी क्या जो सील होती है शोकर की वो नहीं टूटती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि 341,000 रुपये में हमें बाइक लेनी चाहिए नहीं चाहिए, सो सीरियसली मैं बताऊँ ना यार देखो लेनी चाहिए। अगर आप सुपर बाइक का प्लान कर रहे हैं और ऐसी बाइक जो आपको डेली कम्यूट में आपको चाहिए, थोड़ा लुक भी यू नो दैट कि ये जो बाइक्स होती हैं ये हमें कोई माइलेज के ब्याज पे तो हम लेते नहीं है, बिकॉज ये बाइक सिर्फ शो ऑफ के लिए होती है। देखो सबों को पता है कि रॉयल एनफील्ड एक माइलेज बाइक नहीं बनाती है, सिर्फ शो ऑफ और थोड़ा कम्फर्टेबल एंड थोड़ा कस्टमर को अच्छा लगे। सो उसके बाद अगर मैं बताऊं तो सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि है ना देखो इस प्राइस रेंज में आपको है ना BMW भी देखने को मिलेगी, बट सीरियसली BMW के शोरूम सिर्फ हाई सिटीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, लोअर सिटीज़ में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट इवन दैट रॉयल एनफील्ड के शोरूम आपको हर सिटी इवन दैट आपको टाउन्स में भी देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको इजीली ये पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं GT के, आप सिर्फ ऑर्डर करो आपको पार्ट्स मिलेंगे। बट इवन दैट अगर आपने BMW की कोई बाइक लिया, फिर Ducati की कोई लिया, सो आपको पार्ट्स के लिए तो फिर दिल्ली जाना होगा, फिर जयपुर जाना होगा, फिर आप वेटिंग करो, पार्ट्स भी आपको काफ़ी कॉस्टली देखने को मिलते हैं। सो इसमें यह है कि आपका एक ड्रीम भी पूरा हो जाता है, डुअल एग्जॉस्ट वाली बाइक भी हो जाती है, और इवन दैट यू नो कि आपको पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यार देखो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस को जस्टिफाई करती है बाइक, और मैं बताना चाहूँगा आपको 2023 में कुछ चेंजेस होने वाले हैं प्राइस में, तो सीरियसली हाँ कुछ माइनस चेंज होंगे प्राइस में, जस्ट लाइक आपका ये जो बाइक का जो एक्स शोरूम 341,000 रुपीज़ है, अराउंड आपका 346 पहुँच जाए, इवन दैट 5,000 रुपये बाइक पे भर सकते हैं। सो यू नो दैट कि अगर आप बुक भी करते हैं तो आपको बाइक जा करके 2-2.5 महीने में मिलती है, सो ये भी किसी भैया की बुकिंग पे आई है। सो एक्चुअली जब भैया आएंगे तो हम उनसे जानेंगे कि वाई भैया सेलेक्टेड दिस बाइक, एक्चुअली देखो ड्रीम होता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लासिक वगैरह खड़ी हुई हैं, सो बोलते हैं ना कि यार क्या माइलेज प्रेफर करते हैं, तो कंपनी क्लेम करते हैं कि 25 का आपको माइलेज इजीली मिल जाएगा, बट ऐसा है नहीं है, लास्ट आपको सीरियसली बताऊं तो 15-16 का आपको माइलेज मिलने वाला है इस बाइक का, ये मैं ट्रूली ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। अगर आप एक्सजोस्ट चेंज करा लेते हैं तो मेरे भैया हाई बूज और इसमें फिर कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है, बिकॉज फिर ये आपकी बाइक जो लास्ट खींच करके 10-11 का एवरेज निकालने वाली है। सो देखो भाई बाइक शानदार है, ये कलर भी शानदार है, और लकी हूँ कि मेरे को इस कलर का रिव्यू करने का मौका मिला। सो ये मिस्टर क्लीन है, इसके अलावा रोका रेड भी आती है जो फेमस कलर है सेकंड नंबर पे, क्योंकि है ना मिस्टर क्लीन के बाद जो सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट होता है वो रोकर रेड ही है। सो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। सो मिलेंगे फिर एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।